नाउ वी विल सी द 10th स्टैंजा. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंगन विथ अ क्लैटर एंड अ क्लंक एंड अ गैगलिंग स्क्रीम ही वेंट एट द प्राइवेट पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म. नाउ फर्स्ट विल सी द वर्ड मीनिंग्स. स्नॉटिंग मीन्स साउंड ऑफ एयर कमिंग आउट ऑफ नॉस्ट्रल्स. जब आप तेज दौड़ते हो तो आपकी हार्ट बीट और सांस क्या होती है, तेज हो जाती है. और जब तेज चलती है तो यू कैन हियर द साउंड ऑफ योर ब्रीदिंग, राइट. इन द सेम वे ही वॉज ब्रीदिंग. क्लेस्ड मीन्स स्ट्रक. ड्रैंगन मीन्स केव. क्लैटर एंड अ क्लंक मीन्स साउंड ऑफ आयरन रिस्ट्रिंग. गैगलिंग स्क्रीम मीन्स डिफरेंट साउंड्स ऑफ आयरन. वॉर्म मीन्स मोथ, कीड़ा होता है. रॉबिन मीन्स अ बर्ड. नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा. व्हेन ऑल द पेट्स डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन. नाउ इन द प्रीवियस पैराग्राफ वी हैव सीन दैट बेलिंडा एंड दिस ड्रैगन वॉज लेफ्ट अलोन. बाकी सारे एनिमल्स भाग गए थे. सो हियर व्हेन ऑल द पेट्स डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन इट इज द ड्रैगन हु जंप्ड एंड मेक्स अ ह्यूज साउंड थ्रू द नोज लाइक एन इंजन अगेंस्ट द पायरेट. उसे ऐसे जंप किया, इतनी तेज जंप किया कि जैसे कोई भड़बड़ा के इंजन एंटर कराओ. ही डज सो टू टेरिफाई द पायरेट टू सेव बेलिंडा. नाउ हियर पायरेट्स क्या थे, कैन यू टेल मी? समुद्री डाकू. तो नाउ हियर ओनली 3 कैरेक्टर्स आर देयर, बेलिंडा, ड्रैगन एंड द पायरेट्स. सो ही द ड्रैगन जंप्ड एट दीज पायरेट्स टू सेव बेलिंडा. ही स्टार्ट्स टू मूव हिज टेल मेकिंग अ क्लैटरिंग एंड क्लंकिंग साउंड. मेकिंग अ बहुत तेज साउंड, अपनी पूंछ को लड़ाने लगा दीवारों से ताकि वो लोग डर जाएं. इट इज लाइक एन आयरन एंड स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ अ प्रिजन इन द डंगन. मीन्स जैसे प्रिजन में अगर किसी खतरनाक प्राणी को अंदर डाल दिया जाए तो वो इधर उधर लड़ेगा दीवारों से. तो दैट ही वॉज डूइंग टू टेरिफाई द पायरेट्स, डराना चाहता था. With all these terrifying sounds, the dragon goes at the pirate like a robin goes to the worm to eat them. ठीक है, he went inside the cabin like a robin and he ate the worms. Worms क्या होते हैं, कीड़े होते हैं. ठीक है, next paragraph. The pirate gasped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and custard gobbled him every bit. Now gapped means looking instantly, continuously. Gulped means swallowed. Grog means liquor, sharab. ठीक है, flagon means container and globbed means swallowed. Again दो बार आ गया. Now here we see the explanation. The dragon shocks the pirate with dangerous sounds and looks at him menacingly. Menacingly means continuously, darauna, because the appearance of the dragon was fearful. So he tried to fear the pirates while looking continuously to them. The pirate gaps at him and to gather strength gulps some wine from his pocket flag. Means now to save themselves, who? The pirates. They also tried to attack the dragon. So they put the wine on him. He fires 2 shots but does not hit anything. जैसे आप हवा में अगर लिकर फेंको और उस पर शॉट करो तो तुरंत आग लग जाती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. Custard the dragon is not hit. He remains still and swallows the whole of the pirate without leaving any trace of him. Means he hit that pirate and he ate them up. Thus the dragon who was the butt of ridicule for the image proves that he is the bravest of all.
means now here you see that every pet was moved away after seeing the pirates. ठीक है, डाकू को देखते ही सब डर के मारे भाग गए. But now here dragon was so fearful inside, but he tried to save Belinda, and his activity of doing these things, taking movements and eating the pirates, he saved Belinda. And at that moment it was seen that the dragon was the bravest of all other animals or pet animals seen there. Next paragraph. Belinda embraced him, mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink and glee did get around the dragon that ate the pirate. Now, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो क्या होता है, वी गेट प्रेज. एवरी पीपल एवरी वन लाइक अस. कुछ लोग होते हैं जो हमारे क्लोज होते हैं, वो हमको हक करते हैं, प्यार करते हैं. इन द सेम वे वॉट हैपन दैट आफ्टर द ड्रैगन ईट्स अ पायरेट, एवरी हिट बिट देयर इज एन एटमोसफियर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस. व्हेन ही हैज ईटन ऑल द पायरेट्स देन एवरी वन केम आउट एंड दे स्टार्टेड प्रेजिंग द ड्रैगन. बेलिंडा एम्ब्रेस हिम टू इम्प्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर सेविंग एवरी वन. ठीक है, जैसे मान लो होता है ना कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता है तो पीपल लव अस. तो इन द सेम मैनर बेलिंडा वॉज शोइंग हर लव टू ड्रैगन. मस्टर्ड लिक्स हिम एज पर द डॉग्स मेथड ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड. जैसे डॉग्स जो लिक करते हैं, चाटते हैं ना, इन द सेम वे मस्टर्ड लिक द ड्रैगन. ठीक है, इंक एंड ब्लिंक स्टार्ट डांसिंग अराउंड द पायरेट इन ग्ली, इन खुशी में. ठीक है, इन हैप्पीनेस दैट नाउ नो पायरेट्स आर देयर. नेक्स्ट पैराग्राफ. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आईड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड. एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वीड हैव बीन थ्री टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक. And Custard said, I quite agree. Now in this paragraph, जैसे होता है ना, एक की बहुत ज़्यादा प्रेज होती तो दूसरा जब देखता है कि मुझे हाईलाइट नहीं कर रहे हैं तो अपनी बड़ाई करना कुछ शुरू कर देते हैं. In the same way here, Ink, Blink and Mustard started doing when they saw that dragon was liked by everyone. Now they also started showing their work, what they have done. In case of bravery. After this incident, it gets clear who is coward and who is brave. Natural hai ki the custard was considered, the dragon was considered as the bravest pet animal. Mustard says that if he had not become nervous, he would have faced the pirates bravely. Agar hum dare hue nahi hote to I would have faced them. Ink and Blink also said that they had been thrice brave as the dragon. मीन्स वो क्या कह रहे हैं कि वो तीन गुना ड्रैगन से ब्रेव है. बट वेन द ब्रेवरी इज नीडेड एवरीबडी वॉज लॉस्ट. दे कांट बिलीव दैट कस्टर्ड हैज डन सो ब्रेव एंड एक्ट इन स्वॉलिंग द पायरेट्स. दे दस दे स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस आफ्टर एक्सक्यूजेस. द ड्रैगन एक्सेप्ट दैट ही इज द मोस्ट कावर्ड एंड एवरी वन इज ब्रेवर देन हिम. अब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ फाइटिंग, ठीक है, he said okay fine you all are the bravest, I am the coward. जबकि असलियत क्या थी, that he was the bravest. Next paragraph. That everybody is braver than me, Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red dragon and her railio trailio little pet dragon. Now first stanza has been described here again that after this incident Belinda was still staying in her white house, okay, and the other pets like Wagon, black kitten, grey mouse, little yellow dog and the dragon, they all were again living happily with Belinda. Last paragraph. Belinda is as brave as a burial full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs.
Mustard is as brave as a tiger in the range, but custard keeps crying for nice safe cage. Even though it was clear that the dragon was the bravest of all, even then he considered himself as the weakest one. Okay, all the members of the house except Custard was very brave, according to the writer, according to the animals. Belinda is as brave as many bears are in can be. Okay, in the second stanza it was described. Okay, so again the poet has mentioned the same. Ink and Blink, despite being small in size, have the power to scare and chase away someone who is as a lion. Means they can chase other animals who appears like a lion or who has a strength like a lion. Ink and Blink have that much of strength that they can push them out. Belinda's dog is as brave as can be a tiger in anger. Again the same thing writer has given, that when dog is there, okay, he is as brave or he is as in anger as the tiger who is in anger way. So jab tiger anger hota to uske moves bahut horrible ho jate. In the same way the dog compares himself with the angry tiger. But Custard is completely opposite to his physical description, as the description is given in the previous stanzas. So he says, okay, I am the most coward and I want to stay in a cage. I hope you have understood the poem. Thank you.